हाँ बच्चों नमस्कार, आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। तो बच्चों जैसा कि इसमें जो है वो खनिज पोषण चल रहा है और बहुत इम्पोर्टेंट चाहे नीट पेपर चाहे बोर्ड पेपर सभी से कुछ में पूछा जाता है, लेकिन हम आज इसको स्टार्ट करें इसके पहले चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या फायदा होता है कि हर एक वीडियो आपके पास तक पहुंचता रहेगा, और शेयर करने से क्या फायदा है जो आपके दूर बैठे हो उनके पास तो बच्चों वीडियो पहुंचता रहेगा। तो आज है पोटेशियम का डिफिशियंसी, माने जो पोटेशियम होता है 100 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं वो, ये दीर्घ पोषक तत्व होता है, और इसकी डिफिशियंसी सिम्पटम माने इसकी न्यूनता के लक्षण क्या क्या होते हैं वो, इसको क्या कहते हैं डिफिशियंसी सिम्पटम कहते हैं वो। तो अब होती है कि इसमें जो होता है पौधों की पत्तियां जो होती हैं मोटल्ड हो जाती हैं, वो नंबर वन पॉइंट होता है, पौधों की पत्तियां इसमें जो होती है मोटल्ड हो जाती हैं। और नंबर दो होता है पोटेशियम न्यूनता से क्लोरोसिस रोग, माने पोटेशियम न्यूनता से जो है क्लोरोसिस माने होता है हरी मेहंता रोग हो जाता है वो। नंबर थर्ड होता जो है वो पोटेशियम न्यूनता से पत्तियां जो होती हैं नीचे की ओर मुड़ जाती हैं वो। अब होती है पौधों की, अगला पॉइंट होता है पौधों की वृद्ध प्रगति होती है और या रुक जाती हैं वो। अगला पॉइंट होता है पोटेशियम न्यूनता का प्रभाव जो है पहले प्रौढ़ में और नीचे की ओर स्थित पत्तियों में दिखलाई देता है वो। अब पोटेशियम की न्यूनता में पत्तियों के किसी के किनारे व सिरे जो होता है नेक्रोसिस या ऊतक क्षय हो जाते हैं वो। तो ये जो होता है किसकी विशेषता होती है कि पोटेशियम न्यूनता से क्या पौधों में कमी होती है वो, इतने पॉइंट होते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है और चाहे नीट पेपर और चाहे बोर्ड पर इसके बच्चों को पूछा जाता है। अब अगला हेडिंग आता है कैल्शियम, नेक्स्ट हेडिंग कैल्शियम। कैल्शियम को सांकेतिक जो है सी ए माने इसको कैल्शियम कहते जो है वो। अब होती है कि सामान्यतः पादप शरीर में 1 से 3.5% तक कैल्शियम पाया जाता है वो। अब होती कैल्शियम का स्रोत, तो पादप कैल्शियम की मृदा में कैल्शियम आयन के रूप में पौधे जो होता है इसे अवशोषित करते हैं, और कैल्शियम का सामान्य यौगिक जो है कैल्शियम कार्बोनेट होती है वो, जो कि चूने से प्राप्त होती है वो। मृदा में जो होता है कैल्शियम आर्थोनाइट के अपक्षय के अपक्षयंश के रूप से प्राप्त होता है वो। अब होती है कैल्शियम का नेक्स्ट पॉइंट होता है कैल्शियम के रोल क्या होते हैं, कैल्शियम के रोल या उसको इंग्लिश में कहते हैं स्पेसिफिक रोल ऑफ कैल्शियम। तो कैल्शियम की आवश्यकता जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एवं विभेदित होते हुए ऊतकों एवं कोशिका के एनलार्जमेंट में जो होता है में अधिक होती है वो। कैल्शियम पादप कोशिका भित्ति की संरचना का महत्वपूर्ण पदार्थ होता है वो। अब होती नंबर दो पॉइंट होता है कैल्शियम का उपयोग कोशिका विभाजन के समय कोशिका भित्ति के संश्लेषण में होता है वो। अब होती कैल्शियम पेक्टेट की उपस्थिति जो है विशेष रूप से मिडिल लैमेला माने क्या, मतलब जो दो कोशिका होती है उसके बीच में मिडिल लैमेला या मध्य पटेलिका पाई जाती है, वो कैल्शियम पेक्टेट से मिलकर के बनी होती जो है वो। अब होती है कि अगला पॉइंट होता है कैल्शियम कोशिका झिल्लियों की सामान्य क्रियाओं में सम्मिलित होता है वो, और कैल्शियम पारगम्यता को जो होता है ये नियंत्रित करता है वो। नेक्स्ट होता है कैल्शियम द्वारा कुछ आयन जैसे एमाइलेज फॉस्फोराइलेज को एक्टिवेट करता है और उपापचय के में जो होता है नियंत्रण में यह महत्वपूर्ण भूमिका जो होता है निभाता है वो। अब होती है कैल्शियम जो होता है शीश की क्रमशः वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। कैल्शियम जो होता है कार्बनिक अम्ल का यौगिक बना करके विषाक्तता मान टारजिटी को नियंत्रित करता है वो। कैल्शियम जो होता है इम्यूनो अम्ल एवं कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण में सहायक होता है वो। कैल्शियम माने टॉक्सिक ऑक्सैलिक अम्ल को कैल्शियम ऑक्सैलेट में रूपांतरित करता है वो, और कैल्शियम जो होता है रूट की वृद्धि में भी सहयोग करता है वो। कैल्शियम गुड़सूत्र की संरचना के स्थिरीकरण में भी जो होता है ये सहयोग करता है वो।
अब होती कैल्शियम की न्यूनता के लक्षण या डिफिशियंसी सिम्टम्स, डिफिशियंसी डिफिशियंसी सिम्टम्स ऑफ कैल्शियम। तो कैल्शियम न्यूनता से क्लोरोप्लास्ट जो होता है ठीक से ना, ठीक क्लोरोप्लास्ट या हरिद्रव्य जो होता है ठीक से नहीं कर पाते जो है वो। कैल्शियम न्यूनता में मूल की वाह त्वचा जो होती है विघटित हो जाती है और शीर्ष की वृद्धि जो होता है समाप्त हो जाती है वो। कैल्शियम न्यूनता के कारण पुष्पों का विकास जो है सुचारू रूप से नहीं हो पाता है और पुष्पन की क्रिया जो होती है रुक जाती है और पुष्प जो होता है शीघ्र गिर जाते हैं वो। कैल्शियम न्यूनता से नई पत्तियों के किनारे हरिहीनता या ऊतक क्षयी क्षेत्रयुक्त हो जाते हैं जो है वो। कैल्शियम न्यूनता से युवा पत्तियों में कुरसना व कुंचित माने की मार्क फॉर्मेशन दर्शित होती जो है वो। कैल्शियम न्यूनता से नवोद्भिद जो होती है वो नवोद्भिद भूसाई हो जाते हैं वो। और कैल्शियम न्यूनता के कारण जो है पौधे अस्थायी रूप से मुरझा जाते हैं वो। नेक्स्ट आता है कैल्शियम न्यूनता से गुणसूत्र में एबनॉर्मल माने की जो असमानता कंडीशन रोग हो जाती जो है वो। ये होता है इतना होते हैं कैल्शियम के डिफिशियंसी सिम्टम से क्या क्या करेक्टर दिखाई पड़ते हैं प्लांट में वो हमने आपके बारे में डिस्कस किया है वो। नेक्स्ट आता है मैग्नीशियम। नेक्स्ट है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम या 160 में क्या कहते हैं एमजी आयन कहते हैं जो है वो। अब होती है कि पौधों में मैग्नीशियम की मात्रा जो होती है 1.5 से 0.7% तक 0.5 से 0.8% तक इसमें पाई जाती जो है वो। अब कैल्शियम के स्रोत मैग्नीशियम के स्रोत तो मैग्नीशियम मृदा में 3 रूप में जो है वो स्थिर विलयशील और विनिमयी रूप में पाए जाते हैं जो है वो। अब होती है कैल्शियम के मुख्य मैग्नीशियम के मुख्य कार्य क्या होते हैं माने स्पेसिफिक रोल ऑफ मैग्नीशियम। तो यह फास्फोरस के उपापचय में सक्रिय कारक होता है वो। मैग्नीशियम प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन क्रिया के एंजाइमों का की सक्रियता को प्रदान करता है वो। यह श्वसन एवं वसा के संश्लेषण की क्रियाओं में क्या होता है आवश्यक होता है वो। अब होती मैग्नीशियम जो होता है डीएनए एवं आरएनए के संश्लेषण में सहयोग करता है वो और राइबोसोम के आकार को बनाए रखने में सहायक होता है वो। मैग्नीशियम जो होता है क्लोरोफिल की बल संरचना का महत्वपूर्ण तत्व जो होता है यह होता है वो। अब होती मैग्नीशियम जो होता है अनेक उत्तेजकों जैसे कार्बोक्सिलेट हेक्सोकाइनेट फास्फोराइलेट डिहाइड्रोजनेट आदि की क्रियाशील करता है वो। मैग्नीशियम की सांद्रता का राइबोसोम इकाइयों की प्रोटीन संश्लेषण में सहायक करता जो है वो। मैग्नीशियम जो होता है क्लोरोफिल का प्रमुख घटक है और यह एंजाइम के लिए सक्रिय कारक होता है। मैग्नीशियम को एटीपी निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट होता है डिफिशियंसी ऑफ सिम्टम्स ऑफ द मैग्नीशियम। अगली हेडिंग आती है डिफिशियंसी सिम्टम्स ऑफ द मैग्नीशियम माने मैग्नीशियम की न्यूनता के क्या लक्षण प्लांट्स में दिखाई पड़ते हैं वो। तो मैग्नीशियम जो होता है मैग्नीशियम हीनता के कारण पत्तियों में इंटरबेनल क्लोरोसिस हो जाता जो है वो। अगला होता है मैग्नीशियम हीनता के कारण पत्तियों में एंथोसायनिन की मात्रा में वृद्धि हो जाती है वो और पौधों के विभिन्न भागों में सभी मूल ऊतक जो होता है मृत ऊतक धब्बे बन जाते जो है वो। नेक्स्ट होता है मैग्नीशियम हीनता के लक्षण बाद पहले प्रौढ़ पुराने और परिपक्व पत्तियों में जो होता है ये दर्शित होते हैं वो। ये किसके बारे में रहा, ये रहा किसके बारे में, ये मैग्नीशियम आयन के बारे में हो गया जो है वो। अब होता है नेक्स्ट होता है फास्फोरस। फास्फोरस 160 में क्या कहते हैं, इसको पी कहते हैं वो। फास्फोरस
अब होती पौधों में जो होता है फास्फोरस की मात्रा जो होती है 0.5 से 1% तक पाई जाती है। वो अब होती सोसरा फास्फोरस, तो फास्फोरस नाइट्रोजन और सल्फर के साथ एक जटिल यौगिक रूप में निर्मित करता है वो, और यह मृदा में अकार्बनिक रूप में फास्फेट के आयनों H3PO4 या NADH4 के रूप में जो होता है मिलता है वो और अवशोषित होता है वो। फास्फोरस की अत्यधिक मात्रा जो होती है विभजित की क्षेत्रों में पाई जाती है वो। अब होता है फास्फोरस के प्रमुख कार्य माने स्पेसिफिक रोल में आता है स्पेसिफिक रोल ऑफ फास्फोरस माने फास्फोरस के प्रमुख कार्य। तो फास्फोरस कोशिका झिल्ली कुछ प्रोटीन सभी न्यूक्लिक अम्ल डीएनए आरएनए एवं न्यूक्लियोटाइड फास्फोर लिपिड्स के लिए प्रमुख संगठक होते हैं जो है वो। अब होते नंबर सेकंड क्या होता है समस्त फास्फोराइल एंजाइम जो होता है क्रियाओं में फास्फोरस का विशेष महत्व होता है वो। फास्फोरस को एंजाइम एनएडी एनडीपी और एटीपी आदि में प्रमुख घटक के रूप में मिलता है वो। एनएडी माने निकोटिनामाइड एनिलीन डाई न्यूक्लियोटाइड एनएडीपी निकोटिनामाइड एनिलीन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट। अब होती है फास्फोरस जो होता है एटीपी एवं न्यूक्लिक अम्ल की सहायता से प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण योगदान करता है वो। अगला होता है फास्फोरस एटीपी का घटक होने के कारण जो होता है प्रकाश संश्लेषण एवं शोषण की क्रियाओं जैसे ऑक्सीकरण अपचयन एवं ऊर्जा स्थानांतरण की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका एनएडीपी एनएडी तथा एटीपी के रूप में जो होता है मिलता है निभाता है वो। बच्चों आज इतना पर्याप्त, इसको लाइक करना बहुत धन्यवाद।